गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। इसमें देखिए एक्सरसाइज 14.1 में अभी पहले दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली है मीन डेविएशन अबाउट मीन और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो देखिए इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है डेविएशन, पहले तो उसका मतलब समझ लीजिए। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब आपको एक पर्टिकुलर नंबर दूसरे नंबर से कितना डिफरेंस पर है, कितना उससे डेविएट कर रहा है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। पहले मैं आपको फर्स्ट केस ले रहा हूँ, उसमें मैंने कहा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, हम उनका मीन फाइंड आउट करेंगे और ये देखेंगे हर ऑब्जर्वेशन मीन से कितने डिफरेंस पर है और फिर उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, बाकी चीज़ें आपको टर्म्स जो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे हमें करना है। दूसरा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसमें मैं कुछ ऑब्जर्वेशन दी होंगी, सबसे पहले हम उनका मीडियन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन का मीडियन से कितना डेविएशन है ये फाइंड आउट करेंगे, फिर उन डेविएशन का हम मीन निकाल लेंगे। क्लियर है? अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो गए। एग्जाम्पल वन, इसमें आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है। पहली ऑब्जर्वेशन है 6, सेकंड 7, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 8 और नेक्स्ट दे रखी है 12। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा, इसे हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। इसे क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। और एक होता है ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें टेबल दी होती है, जिसमें टेबल नहीं दी होती इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा। अब देखिए एग्जांपल वन में आपको ये डाटा दे रखा है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम देखेंगे हर टर्म मीन से कितना डेविएट कर रही है, फिर जितने भी डेविएशन हमने फाइंड आउट किए होंगे उनकी हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसका मीन निकालूंगा। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चों, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो हम आई वन से लेंगे 8, ऐसे लिखते हैं अपॉन 8। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 13, 23, 35, 48, 52, 72 अपॉन 8 कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब ये जो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है इनका मीन दे रखा है 9। अब हम क्या करेंगे, सबके डेविएशन निकालेंगे, हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम मीन। तो उसके लिए हम निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस। तो देखिए कितना डिफरेंस आया, 3। कितना आया, 2। कितना डिफरेंस आया, 1। कितना डिफरेंस आया, 3। नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 3। अब हमें क्या करना है, इन सारी डेविएशंस सारी की सारी टर्म्स का हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे निकालते हैं सम ऑफ ऑल डेविएशंस। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए इनके बीच में क्या होगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो कितना है बच्चों, 3, 2, 5, 6, 9, 13, 18, 22। अब देखिए अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मी, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एल। क्लियर? यहाँ पे कितनी टर्म्स दे रखी हैं आपको, टोटल टर्म्स हमें 8 दे रखी हैं।
So I got 22/8, that means 2.7. तो चेस्ट आंसर आ जाएगा 2.75. ये क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. अभी बच्चों मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो मीन डेविएशन अबाउट मीन के ही आपको कराऊंगा. फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करवाऊंगा. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना होता है जो हमें ऑब्जर्वेशन दी होती हैं. फिर हम ये देखते हैं हर ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डेविएट करती है, और फिर जितने भी डेविएशन हमारे पास होते हैं, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतनी ही हमारे पास डेविएशन होंगे, उनकी हम क्या करते हैं एवरेज मतलब मीन फाइंड आउट कर लेते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल टू वो भी इसी तरह का है. एग्जाम्पल थ्री में आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्यों, वो मीडियन का है, वो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वो मैं भी आपको नहीं करवा रहा हूँ. अच्छा अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल फोर. यहाँ पर जो है आपको ग्रुप डाटा दे रखा है. एग्जाम्पल फोर में भी आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन ही फाइंड आउट करना है, मगर यहाँ पर हमें एक ग्रुप डाटा गिवन है. यहाँ पर हमें एक्स आई और एफ आई की बने, एक्स आई दे रखे 2, 5, 6, 8, 10, 12 और एफ आई दे रखा है 2, 8, 10, 7, 8, 5. अब देखिए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, और ये कौन सा बच्चों, ये ग्रुप डाटा आपको गिवन है. और इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, सही. और एक होती है कंटिन्यूस. कंटिन्यूस में क्या होता है, हमें क्लास इंटरवल दी होती है. जो टेबल जिसमें भी बनी होगी वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो ग्रुप डाटा होते हैं. और ग्रुप डाटा दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इस तरीके से जो दिया होता है वो उसे बोलते हैं हम डिस्क्रीट, और एक होता है जिसमें पे क्लास इंटरवल दिया होता है उसे बोलते हैं हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बस उसमें कंडीशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा जब आएगी. अब देखिए इसका मीन क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मीन डेविएशन अबाउट मीन हमें इसका फाइंड आउट करना है. तो पहले हम मीन निकालेंगे. मीन कैसे निकालते हैं बच्चों, उसके लिए हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं. कितना आएगा, 2 2 = 4, 5 4 = 40, 6 10 = 60, ये 56, ये 80 और ये 60. कितना आ गया, 44 104 160 और ये 300. अब देखिए अब हमें निकालना है x बार. x बार क्या होता है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. यहाँ पर i की वैल्यू 1 से लेके कहाँ होगी, n तक लेंगे, सही, जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 1 से लेके 6 और यहाँ भी 1 से लेके 6. सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है बच्चों, इन सब का सम कितना आ रहा है, 300. और नेक्स्ट है सिग्मा एफ आई, इन्हें ऐड कर लीजिए 10, 20, 27, 35, 40, ये कितना आ गया 4, 7.5. अब हम निकालते हैं बच्चों एक्स आई माइनस एक्स पार का मॉडुलस. फिर हम इसे एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे. फिर अब देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना है. इसमें से करिए 7.5 माइनस 5.5, इसमें से 2.5, इसमें से 1.5, इसमें से 0.5, इसमें से 2.5, इसमें से 4.5. अब हम करेंगे एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, कितना आएगा 11
20, 15, 3.5, 20, 22.5. अब देखिए ये कितना आ गया, 31, 46, 49.5 और 42.5. तो ये मैंने ऐड गलत कर दिया है, 11, 31, 46. सही है, 92. क्लियर है? अब देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स वन अपॉन सिग्मा एफ आई, आई वन से लेके सिक्स, आई वन से लेके सिक्स, कितना आएगा 92 अपॉन 40, कितना आ जाएगा 2.3. अब देखें इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. ये तो बच्चों डिस्क्रीट था, और अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट मीन. एग्जांपल 6. देखिए यहाँ पे मैंने मैं दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल दिए हुए, अच्छा ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी. इसमें हम एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा मैच करने चाहिए, मतलब ये जो है क्लास इंटरवल, इसकी अपर लिमिट इसके अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के बराबर होनी चाहिए. क्लियर है? तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए इसका मीन हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसा कि हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल 4 में निकाला था. तो उसके लिए सबसे पहले इसे तो हम एफ आई मान लेते हैं, और एक्स आई जो होता है वो होता है इसका मीन, कितना है 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75. अब देखिए अब हम पहले मीन निकालेंगे, मीन के लिए हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं, कितना आएगा बच्चों,
30, 75, 280, 630, 440, 195 और ये 150। तो ये बच्चों हमारे एफ आई एक्सरसाइज सारे आ गए। हम इनको देखिए ऐड करके देख लीजिए 1800 आ रहा होगा। अब हम निकालते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और यहाँ पे कितनी इंटरवल दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटरवल दे रखे हैं आई वन से लेके 7। 1800 अपॉन सिग्मा एफ आई देखिए कितना है, यहाँ पर ये है 5, 13, 27, 35, 40 आ जाएगा 45। अब देखिए अब हम निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, फिर हम इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको 45 से माइनस करेंगे 30, 15, 5, 0, 10, 20, 30। अब इसे एफ आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे 60, 45, 40, 0, 80, 60, 60। तो देखिए कितना जाएगा ये 20 आना है यहाँ पे ना। तो अब देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन, वो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अबाउट सिग्मा एफ आई। सही वही लिख देना आई वन से लेके आई वन से लेके सेवन। तो ये आ जाएगा 400 अपॉन 40। तो ये आ जाएगा बच्चों 10। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट हमें इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना है, बस अब हम मेथड कौन सा लगाएंगे, मेथड हम लगाएंगे शॉर्टकट मेथड, मेथड चेंज हो जाएगा। मेथड का नाम होता है बच्चों शॉर्टकट मेथड, क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग, शॉर्टकट मेथड में हम जो मीन निकालेंगे वो ही सिर्फ शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, बाकी लास्ट के दो स्टेप वो यही रहेंगे। अब देखिए एग्जांपल 6 को हम दोबारा से कर रहे हैं, किस मेथड से करेंगे इसको, इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। 10th में आप इसे स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, इसके लिए बच्चों स्पेस ज्यादा चाहिए होगी तो मैं दोबारा से ही लिख देता हूं।
marks obtained. Number of students. Midpoint. फिर हम निकालते हैं डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. फिर हम निकालेंगे एफ आई डी आई. सही, टेंथ में हम इसे यू आई बोलते हैं, ये डिफरेंस है. क्लियर, पहले इतना कर लेते हैं, क्यों इतना ही हमें यूज करना है इसके लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए. तो देखिए मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2. अब देखिए सबसे पहले बच्चों हम एक्स आई निकालते हैं, इसे तो हम एफ आई लेते हैं और इसे एक्स आई. एक्स आई क्या होता है, इसका मिड पॉइंट 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75. फिर बच्चों हमें निकालना है डी आई. टेंथ में से हम यू आई बोलते थे और मेथड का नाम होता था स्टेप डेविएशन मेथड. अब यहाँ पर इसका क्या नाम है, शॉर्टकट मेथड. तो देखिए सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं ए. ए होता है एज्यूम मीन. एज्यूम मीन कौन सा होता है बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, एक्स आई में से किसी को भी मीन मान लेते हैं और जितना आप मिड में मारोगे उतनी कैलकुलेशन क्या होती है, इजी होगी. तो देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो अब ये जो फोर्थ नंबर है इसे आप मीन मान लीजिए. तो यहाँ पे ए कितना आ गया, 45. दूसरा होता है एच. एच होता है क्लास साइज. इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, 10 10 का गैप है, तो एच हो गया 10. क्लियर है. अब देखिए यहाँ पर जो हम डी आई निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एक्स आई, एक्स आई कितना है 50 माइनस 45 अपॉन 10 माइनस 3, यहाँ आ जाएगा माइनस 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3. अब देखिए अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करिए, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 8 0 8 6 और 6. अब इसे ऐड कर दीजिए कितना आ रहा है, 0. अब देखिए मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एस टाइम सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ. तो ए कितना है 45 और एच है 10. ये जीरो है ना, तो ये पूरी टर्म को क्या करेगा, जीरो कर देगा. तो इसका मतलब मीन जो है यहाँ पे कितना आ गया, 45 आ गया. अब हम निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस और फिर उसे एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार जो है 45 है, तो यहां कितना आएगा, 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30. तो अब देखिए एफ आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो कितना आएगा, 60, 60, 80, then 0, then 80, then 60, 60. तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 400. अब देखिए अब हमें निकालना है
मीन डेविएशन अबाउट मी। इसका क्या फॉर्म होता है बच्चों? सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन सिग्मा एफ आई, आई वन से लेके सेवन, आई वन से लेके सेवन, यहां भी लिख दीजिएगा आई वन से लेके सेवन, आई वन से लेके सेवन, तो ये आ गया 400 और वो हमें यही रखा है 40। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 जाए और आंसर आ जाए। तो ये बच्चों चार क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर है। सबसे पहले हमने किया था अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था, फिर हमने ग्रुप के अंदर सीख लिया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के, क्लियर है। अच्छा, अब जो हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके दो तरीके थे, एक तो नॉर्मल तरीका था और एक था शॉर्टकट मेथड। तो आपको इन चारों क्वेश्चंस की जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखिए बच्चों, अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। एग्जाम्पल थ्री, देखिए यहाँ पे हमें डाटा दे रखा है 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21। अब देखिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है पहले उसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम डेविएशन निकालेंगे हर टर्म का, किससे? मीडियन से, और बाद में आपको फिर आता ही है उसका हम क्या करेंगे मीन फाइंड आउट कर लूंगा जितने भी डेविएशन हमारे पास आएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी डाटा हमें दिया होता है उसे हम क्या करते हैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो हम ये लिखेंगे ऑन arranging the following data in ascending order we get। तो देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है बच्चों, कितनी बार है? 2 बार। नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 21। तो यहाँ देखिए कितनी टर्म्स है, 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों हमारे पास? 11।
अब देखिए ये क्या है, ऑड नंबर है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो मीडियन का क्या फॉर्म होता है बच्चों, मीडियन का फॉर्म होता है n प्लस 1 बाई 2 ए टर्म। तो n कितना है 11, तो इसका मतलब ये आ गया 6 टर्म। 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, 12 बाई 2 कितना होता है 6, तो इसका मतलब इसका जो मीडियन होगा वो होगी 6 टर्म। और 6 टर्म देख लेते हैं कौन सी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 9 है 6 टर्म, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, डेविएशंस निकालेंगे, मतलब एक्स आई माइनस मीडियन का मॉडुलस हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे निकालेंगे, 9 को माइनस कर देंगे हर टर्म में से, सही। तो कितना आएगा यहाँ पे 6, 7 के साथ मैं इनको ऐड कर देता हूँ, तो जितने भी डेविएशंस आएंगे उनका हमें क्या करना होगा, मीन फाइंड आउट करना होगा। तो आगे 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 और ये 12, देखिए कितना आएगा 12 17 21 23 24 27 36 36 और 22 58। तो ये आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिफ्टी एट को हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। आएगा 58 अपॉन 11 5.27। देखिए इसमें बच्चों हमें क्या करना था, सबसे पहले हमने जो टर्म्स दी हुई है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर मीडियन फाइंड आउट किया, फिर हमने हर टर्म का मीडियन से डेविएशन निकाला और फिर उसकी एवरेज फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से जो है हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट कर लिए। ये कौन सा डाटा था बच्चों, ये डाटा था आपका अनग्रुप डाटा, क्लियर है। अच्छा अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टर्म बढ़ा देता हूँ, एक टर्म मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एक टर्म बढ़ा देता हूँ, सही। तो उस केस में कैसे निकालेंगे, वहां पर तरीका तो यही रहेगा, बस फार्मूला जो है मीडियन का वो चेंज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो अलग फार्मूला होता है मीडियन फाइंड आउट करने का, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन निकालने का अलग तरीका होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 22 बोल लिख दिया, तो वो 22 यहाँ आएगा, एड में आएगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है। अब देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो उसमें मीडियन का क्या फॉर्म होता है, उसमें फॉर्म होता है एन बाई टू ए टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन ए टर्म डिवाइडेड बाई टू, ये फॉर्म होता है बच्चों उस केस में, क्लियर। तो एन की जगह रख दीजिए 12, तो आएगा 6 टर्म और प्लस 7 टर्म बाई टू। अब देखिए 6 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 9, और 7 टर्म कौन सी है 10 बाई टू, आ जाएगा 9.5। तो यहाँ पे मीडियन कितना आ जाएगा 9.5। बस यहाँ तक ये तरीका अलग है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होती हैं तो फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है। अब निकालूंगा एक्स आई माइनस मीडियन का मॉडुलस, ये आएगा 6.5 6.5 5.5 4.5
2.5 0.5 0.5 2.5 8.5 10.5 11.5 और 12.5. क्लियर बच्चों? अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. क्लियर बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं ग्रुप डाटा के ऊपर. एग्जाम्पल 5, ग्रुप डाटा में कैसा है? डिस्क्रीट, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होते. देखिए एग्जाम्पल 5 में मैंने कहा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा. थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू थ्री फोर फाइव टू फोर फाइव फोर थ्री. अब देखिए इसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले टेंथ में आपको याद होगा हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे सबसे पहले, तो उसमें हम क्या करेंगे, थ्री फिर इन दोनों का सम सेवन फिर तीनों का सम ट्वेल्व फिर चारों का सम फोर्टीन फिर पाँचों का सम एटीन फिर छहों का सम ट्वेंटी थ्री सातों का ट्वेंटी सेवन फिर आठों का थर्टी. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं. क्लियर है? या आप ऐसे कर सकते हैं ये एज इट इज, फिर इन दोनों का सम यहाँ पर फिर इन दोनों का सम यहाँ पर, पहले ये एज इट इज, इन दोनों का सम यहाँ पर इन दोनों का सम यहाँ पर इन दोनों का सम यहाँ पर इन दोनों का 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 यहाँ पर, ऐसे भी आप कर सकते हैं. अब हम निकालते हैं मीडियन. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 30. तो अब देखिए यहां पर n जो है आपको 30 दे रखा है, तो 30 क्या होता है, इवन नंबर. तो इवन नंबर के केस में मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है बच्चों n बाय टू एट टर्म प्लस n बाय टू प्लस वन एट टर्म बाय टू. तो 30 बाय टू कितना आ गया, 15 टर्म, फिर 16 टर्म बाय टू. अब देखिए यहां पे 15 टर्म कौन सी है, देखो 15 और 16 टर्म दोनों क्या होंगी, यहां पे 13 होगी, क्या होगी 13. तो 13 प्लस 13 बाय टू कितना जाएगा, 30. क्लियर है? देखो पहली तीन टर्म जो होगी वो 3 होगी, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन टर्म क्या होगी, 6. फिर एट्थ नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ टर्म 9 होगी, 13 और 14 टर्म 12 होगी, 15 16 17 18 टर्म 13 होगी. तो इसका मतलब यहाँ पे 15 टर्म भी 13 है और 16 टर्म भी 13 है, तो मीडियन कितना आ गया, 30. अब हम निकालेंगे एक्स आई माइनस मीडियन का मॉडुलस, फिर इसको हम एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं. अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा एफ आई. सही, वो लिख देना, 1 से लेके 8 तक है ये टर्म्स. क्लियर है? अब देखिए
मीडियन माइनस करिए इसमें से आप, मीडियन कितना निकाला हमने बच्चों 30, ये आ जाएगा 10, 7, 4, 1, 0, 2, 8 और 9। अब इसको इससे कर लीजिए 30, 28, 22, 0, 10, 32, 27। अब देखिए कितना आएगा 50, 70, 80, 90 और 90 और 59, कितना आएगा 149। क्या आ जाएगा 149 अपॉन सिग्मा एफ 30। इसे आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपका मीन डेविएशन आ जाएगा अबाउट मीडियन। और ये कैसा है बच्चा, ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा कौन सा? डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। अब बच्चों नेक्स्ट है एग्जांपल 7। यहां पर हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा लेंगे कौन सा, कंटीन्यूअस। इसका बच्चों शॉर्टकट मेथड कोई नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन का एक शॉर्टकट मेथड था ना, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता। क्यों? क्योंकि मीडियन निकालने का कोई भी शॉर्टकट मेथड हमारे पास नहीं है। मीडियन निकालने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, तो इसका मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का भी कोई शॉर्टकट मेथड हमारे पास नहीं होगा। देखिए एग्जांपल 7 में यहाँ पे मैं क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ। क्लास दे रखा है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दे रखे 6, 7, 15, 16 and 2। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीडियन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 6, फिर इन दोनों का सम 30, तीनों का सम 28, सही है, या फिर ऐसे कर लीजिए 6, 7, 13, 28, 44 और 44 और 4, 48 और ये 50। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है बच्चों मीडियन निकालने का तरीका। क्लियर? अच्छा अब यहाँ पे देखिए आपको 50 दिया है इन्होंने, टोटल टर्म्स का सम कितना दे रखा है 50, 50 का आधा क्या होता है 25, तो 25 टर्म कहाँ पर आएगी बच्चों, 13 के बाद जो भी टर्म आएगी कहाँ तक 28 तक, वो इस क्लास इंटरवल से रिलेट करेगी। तो ये हो गया मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब देखिए इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20, एन बाई टू कितना है 50 by 2 = 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास मीडियन क्लास होती है उससे पहले वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी उसी की लेते हैं मीडियन क्लास की, और एच क्लास साइज वो कितना है 10। ये आ गया 20 + 8, यहाँ पे बच्चों मीडियन कितना आ गया हमारे पास 28 जो है मीडियन आ गया।
अब देखिए, अब वही तरीका है हमारे पास, एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस मीडियन का मॉडुलस, और फिर उसे एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एक्स आई क्या होगा, इनका मिड पॉइंट 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, अब देखिए इससे मीडियन माइनस करिए, 23, 13, 3, 7, 17 और 7। अब देखिए एफ आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, अब इनको ऐड कर लेते हैं बच्चों, ये आ रहा है 508। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। फॉर्मूला को नहीं दीजिएगा, आ रहा होगा 10.16, ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का। बाकी आप खुद करेंगे, देखिए यहां पर मैं दे रहा